नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेहत की मिठास से भरा होता है गुड़। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में गुड़ को बेहद पसंद किया जाता है, तो इस बार अगर आप गुड़ खाने की सोच रहे हैं जैसा कि हर बार करते हैं, तो किस तरीके से आपका गुड़ बन सकता है एक स्वास्थ्य वर्धक गुड़, तो अगर आप इस बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जरा गौर से सुने। कई लोगों में ये गलत फहमी होती है कि सर्दियों में गुड़ खाने से गैस बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर संतुलित खाना खाते हैं सुबह और शाम और उसके साथ थोड़ा सा सेवन करते हैं गुड़, तो ये आपके पेट में गैस नहीं बनाता बल्कि आपके पाचन क्रिया को सुगम बनाता है। इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप गुड़ खाएं। गुड़ पाचन के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही पीरियड्स के दर्द में भी काफी फायदेमंद है। गुड़ का सेवन करने से आप सर्दियों में हेल्दी रह सकते हैं। पाचन क्रिया को सही करता है गुड़। गुड़ शरीर का रक्त साफ करता है और मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। रोज एक गिलास पानी या दूध के साथ गुड़ का सेवन पेट को ठंडक देता है। इससे गैस की दिक्कत नहीं होती। जिन लोगों को गैस की परेशानी है वो रोज लंच या डिनर के बाद थोड़ा गुड़ जरूर खाएं। गुड़ आयरन का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए यह एनीमिया के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद। खास तौर पर महिलाओं के लिए इनका सेवन बहुत अधिक जरूरी है। त्वचा के लिए बहुत ही अधिक जरूरी माना जाता है गुड़। गुड़ ब्लड से खराब टॉक्सिन दूर करता है जिससे त्वचा दमकती है और मुहासे की समस्या नहीं होती है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन जुकाम और कफ से आराम दिलाता है। जुकाम के दौरान अगर आप कच्चा गुड़ नहीं खाना चाहते हैं, तो चाय या लड्डू में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी के लिए, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस करने पर गुड़ का सेवन करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। गुड़ जल्दी पच जाता है, इससे शुगर का स्तर भी नहीं बढ़ता। दिन भर काम करने के बाद जब भी आपको थकान हो तो तुरंत गुड़ खाएं, इससे आपको फायदा होगा। गुड़ शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। इसमें एंटी एलर्जिक तत्व है, इसलिए दमा के मरीजों के लिए इसका सेवन काफी फायदेमंद होता है। जोड़ों के दर्द में आराम देता है गुड़। रोज गुड़ के एक टुकड़े के साथ अदरक का सेवन करें, इससे सर्दियों में जोड़ों के दर्द की दिक्कत नहीं होगी। गुड़ के साथ पके चावल खाने से बैठा हुआ गला व आवाज खुल जाती है। गुड़ और काले तिल के लड्डू खाने से सर्दियों में अस्थमा की परेशानी नहीं होती है। जुकाम जम गया हो तो गुड़ पिघलाकर उसकी पापड़ी बनाकर खाएं, इससे बेहद फायदा होगा। गुड़ और घी मिलाकर खाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। भोजन के बाद गुड़ खा लेने से पेट में गैस नहीं बनती। 5 ग्राम सॉल्ट 10 ग्राम गुड़ के साथ लेने से पीलिया रोग में भी लाभ होता है। गुड़ का हलवा खाने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। 5 ग्राम गुड़ को इतने ही सरसों के तिल में मिलाकर खाने से श्वास रोग से छुटकारा मिलता है। तो जाना आपने कि भारत में आखिर ये गुड़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सदियों से लेकर गुड़ को हमारी रसोई से लेकर दवाइयों में यूज किया जाता है, तो अगर आप गुड़ का सेवन नहीं करते हैं तो इसके लाभों से बच जाएंगे, तो क्यों इग्नोर किया जाए गुड़ को। इस बार खोल कर गुड़ खाइए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।